हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और काफी अच्छा क्वेश्चन है, 11.4 काफी बार बोर्ड्स में आता है, तो देखिए एग्जांपल को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ की हम चर्चा जब करते हैं, तो सबसे पहले बनाते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले दिया है मुझे प्रोपेन वन ऑल, तो मैं बनाऊंगा प्रोपेन वन ऑल, तो मैंने बनाया प्रोपेन वन ऑल। देन मैंने बनाया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 पहले फिनॉल बनाएंगे, राइट? पहले आप पीछे का बना लेते हैं फिनॉल, देन वहां से 2 पोजीशन, 4 पोजीशन एंड 6 पोजीशन ये रहेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैं बना के ही दिखा देता हूं, काहे को आपको कंफ्यूज करना है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ये हो गई। देन आपके पास है 3-नाइट्रोफिनॉल, तो मैं आपको ये फिनॉल बनाऊंगा, 3rd पोजीशन ये है जैसा आप पहले देख सकते हैं। इसके बाद है 3,5-डाइनाइट्रोफिनॉल, 3,5-डाइनाइट्रोफिनॉल, ये 3 है, ये 5 है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगाना था दोस्त, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, तो ये बना दिया मैंने 3,5-डाइनाइट्रोफिनॉल। इसके बाद मैं बनाऊंगा फिनॉल, इसके बाद बनाएंगे फिनॉल, तो चलो वहीं बना लेते हैं आगे ही ताकि आपका काम हो जाए आसान। ये बनाए मैंने फिनॉल और फिर बनाया मैंने 4-मिथाइल फिनॉल, तो 4 पे मैं लगा देता हूँ मिथाइल ग्रुप और देन लगा देता हूँ मैं फिनॉल पे, 4 पे लगा दिया मैंने मिथाइल ग्रुप, तो ये बना लिया मैंने सारे। अब इनका नाम 1, 2, 3, 4 डाल देते हैं, इस पे 1, इस पे 2, इस पे 3, इस पे 4, इस पे 5, इस पे 6, ऐसा इसलिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाल के लास्ट में अरेंज कर सकते हो। आपको करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले जो सबसे कम एसिडिक है उसको लगाएंगे और देन धीरे धीरे करके बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसा हमारा है टारगेट, राइट? सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए एक टोटा बता रखा है कि आप सब में से सबसे पहले H प्लस लूज करवा दीजिए, तो देखिए बनेगा क्या। आपको ये एग्जाम में नहीं बनाना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। अगर आप इसमें से H प्लस लूज कराएंगे तो ये बनेगा ओपे माइनस, देन बनेगा ये CH3। इसमें से अगर H प्लस लूज करवाएंगे तो ये बनेगा, ओ हो आहा क्या करे जा रहे हो, CH3 CH2 CH2 ओपे माइनस, इसमें से भी कराओ H प्लस लूज और बना दो। अरे गुरुजी क्या करे जा रहे हो, ओपे माइनस, राइट? और ये बनाइए ओपे माइनस, 3 पे लगाइए ओपे माइनस, NO2 लगाइए, ये बनाइए ओपे माइनस। इन सब में से आपने H प्लस निकाल दिया है। अब सुनिएगा बड़े ध्यान से, अब आपको चेक करनी होती है बनने वाले अनायन की स्टेबिलिटी। जो अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे जल्दी बनेगा, इसका मतलब सबसे जल्दी कॉरेस्पॉन्डिंग अनायन मिलने वाली स्पीशी H प्लस लूज करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूँ कि सबसे स्टेबल है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल सबसे स्टेबल है, इसका मतलब ये है कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ने सबसे जल्दी H प्लस आयन दिया होगा, ताकि ये जो फिनॉक्साइड आयन और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉक्साइड आयन ये जो बना हुआ है आप लोग का, ये बनेगा स्टेबल। क्या बनेगा? ये बनेगा स्टेबल। क्यों बनेगा स्टेबल, आप लोग देखिए बड़े ध्यान से, बनने वाले अनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो मेरे को ये पता है कि ये जो NO2 ग्रुप है ये कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट से। तो मैं अगर आपको बोलूं कि बेंजीन पे जो ओ पे माइनस है, सबसे पहली बात तो उसको मिल रही है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बेंजीन रिंग से, और बेंजीन रिंग से जो स्टेबलाइजेशन मिल रही है उसके बाद NO2 ग्रुप जितने ज्यादा लगे हैं उस माइनस चार्ज को और कम कर रहे हैं अपनी तरफ खींच के, यानी कि ये ओ पे माइनस को एक तो रेजोनेंस मिल रही है, दूसरा NO2 उसको और ज्यादा कम कर दे रहा है, यानी कि और ज्यादा स्टेबिलिटी की ओर हम जा रहे हैं, बिकॉज NO2 माइनस आई माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे, ऐसा आपको पता होगा। इसका मतलब सबसे जल्दी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल H प्लस लूज करेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो NO2 वाले अलग कर लें सबसे पहले, यानी कि 3 तो सबसे ज्यादा एसिडिक है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो 3rd तो आपका सबसे ज्यादा हो गया एसिडिक। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो मुझे लग रहा है 5th, क्योंकि उस पे 2 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं
ऑल दो एनओ टू ग्रुप मेटा पोजिशन पे लगे हैं, यानी कि ये केवल और केवल माइनस आई इफेक्ट ही दिखाएंगे। उसके बाद आएगा आप लोगों का फोर्थ वाला, क्योंकि फिर से ये थर्ड पोजिशन पे लगा हुआ है, फिर से ये माइनस आई दिखाएगा। मेटा पोजिशन पर एनओ टू ग्रुप माइनस आर नहीं ऑपरेट करता, बट माइनस आई तो करेगा ही करेगा। तो ये लग गया नंबर थर्ड पे। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो मुझको दिख रहा है ये फिनॉल, और मुझको दिख रहा है ये। इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली बात है सिक्स वाला पहले आएगा, बिकॉज सी एच थ्री इज डोनेटिंग ग्रुप। ये किससे डोनेट करेगा? ये प्लस आई इफेक्ट से डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इस माइनस चार्ज को और बढ़ाएगा। इस वजह से ये थोड़ा सा अनस्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस फिनॉल, राइट। अब आप कंपेयर करेंगे अगर टू और वन को, तो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के अंदर आपको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रही है इस माइनस चार्ज को अभी भी, बजाय इसके कि सी एच थ्री डोनेटिंग ग्रुप है, जो यहां पर भी लगा हुआ है डोनेटिंग ग्रुप, राइट। यहां पर भी जो डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है इस माइनस चार्ज को बढ़ा रहा है, और बेंजीन पे भी जो सी एच थ्री लगा हुआ है माइनस चार्ज को बढ़ा रहा है। तो आपको माइनस चार्ज को ज्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग से माइनस चार्ज को स्टेबिलिटी तो अभी भी मिल रही है, इस वजह से नंबर वन लगेगा उसके बाद, और लास्ट में लगेगा आपका नंबर टू। तो जिन पे हमने नंबर वन नंबर टू नंबर डाले हैं उसको आप मिला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो नंबर थ्री नंबर फाइव नंबर फोर नंबर सिक्स, तो इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया है। आप ये ऑर्डर देख सकते हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इस तरीके से, राइट। अपने दिमाग में रखिए, बस बनने वाले अनायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, और जो अनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब उसी स्पीशी सबसे, वही उसी की कॉरस्पॉन्डिंग स्पीशी सबसे जल्दी H प्लस लूज करके वो चीज़ बनाने में हेल्प करेगी। वो जो सबसे जल्दी H प्लस देगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो को, लाइक ज़रूर करते जाना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।